हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के सामान्य गणित के बुक की, और इसमें हम लोग देख रहे थे सिंप्लीफिकेशन यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन किए थे। इसका एक वीडियो हो चुका है और इसके बाद सरलीकरण का भी हो चुका है, दो वीडियो इसके बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल और धनमूल, जो कि ये तीसरा वीडियो होगा इस बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इन दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल एवं घनमूल निकालना किस तरीके से निकाला जाता है इस बारे में हम बात करेंगे, और कितने विधियाँ निकालने की वर्गमूल और घनमूल को उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। तो किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का जो दो वर्गमूल होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, ठीक है। जैसे कि अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 करके आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें प्लस 3 जो है वो एक धनात्मक मान हो जाएगा और माइनस जो 3 है वो ऋणात्मक मान यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और क्यों होगा? क्योंकि अगर हम प्लस 3 और प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस 3 और माइनस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस 9 आएगा, ठीक है। इसलिए दो मान प्राप्त होता है, इसलिए दो मान जो है लिखा जाता है वर्गमूल में, ठीक है। अब इसमें जो है परंतु क्या होता है कि बहुत से मामलों में धनात्मक वर्गमूल का ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रश्न में क्या होता है कि व्यक्तियों की संख्या, वस्तुओं की संख्या आदि अगर ज्ञात करना होता है जो कि सदैव धनात्मक ही होते हैं, ठीक है। तो विशेष स्थितियों में ही दोनों प्रकृति के वर्गमूल ग्रहण किए जाते हैं, और यह बात प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए सीधे उस संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं, जबकि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग वर्गमूल में किया जाता है। दो विधियाँ हैं, उनमें से एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसका सर्वप्रथम हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो इसके लिए आप लोग नंबर सिस्टम और सरलीकरण जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद इन गुणनखंडों से दो दो का समूह बनाया जाता है, और जो समूह जो दो दो का पेयर बनता है उनमें से एक एक गुणनखंड लेकर जो है आपस में गुणा कर देते हैं, और वो जो प्राप्त होता है वही उसका वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 36 का वर्गमूल ज्ञात करें तो 36 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 3 × 3 प्राप्त होता है। अब इनमें दो दो का अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2 का एक पेयर बन जाएगा और 3 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 2 ले लेंगे और यहाँ से हम 3 1 ले लेंगे, तो 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा, और 6 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं? तो जब संख्या का गुणनखंड संभव ना हो या फिर कठिन हो, तब भाग विधि का प्रयोग करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सामान्यतः भाग विधि में शुद्ध अंकगणितीय संख्याओं का वर्गमूल ही ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं? यदि संख्या पूर्णांक में है तो सर्वप्रथम इकाई वाले अंक से बाएं की दिशा में दो दो अंकों का समूह बनाते हैं, और यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो सभी समूह अंकों के जो है दो दो अंकों के होते हैं। जैसे कि 1369 के अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, अगर हम बाएं से पेयर बनाते हैं तो 69 का पेयर और 13 का पेयर, दो पेयर बन जाते हैं। परंतु यदि संख्या के अंकों की संख्या अगर विषम हो तो एकदम बाएं वाला जो है अंतिम समूह केवल एक अंक का ही होगा। जैसे कि ये संख्या दी गई है तो इधर से हम इसका पेयर बनाएंगे 32 57 का पेयर, इसके बाद ये 3 जो रह जाता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बाईं ओर से सबसे पहले वाले समूह में उस संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस समूह के बराबर या कम आए, और इस संख्या को भाजक और भागफल दोनों की तरह लिखते हैं, दोनों की जगह लिखते हैं, ठीक है। तो 1369 का वर्गमूल अगर निकालना तो सर्वप्रथम संख्या 3 को भाजक एवं भागफल दोनों स्थान पर लिखते हैं। यानी कि अगर हम देखें इस तरीके से, तो भाग विधि से इस तरीके से किया जाता है। इसमें 1369 में 13 को लेंगे और इसमें हम टेबल जो पढ़ते हैं वो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 इस तरीके से करके पढ़ा जाता है। तो 13 ऐसा कोई ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो या 13 के बराबर हो। तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, तो 16 जो है 13 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 3 × 3 = 9 लेकर जाएंगे यहाँ पे, और 9 यहाँ पे लिखेंगे और 3 फिर यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 9 गए 4, इसके बाद ये पेयर बनाया गया था तो 69 सीधे उतरेगा एक रूप एक साथ, ठीक है। इसमें पेयर ही उतरता है, यहाँ पर 469 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर जो है किया जाएगा इसके बारे में, फिर वही टेबल का पढ़ा जाएगा।
तो अगर हम इसमें तीन तिरका नौ करते हैं या फिर देखते हैं कि ये जो नौ लास्ट में है, तो तीन तिरका नौ आता है, 4 चौक 16 55 25 46 सात सत्तर 49 आता है। तो यहाँ पे हम अगर सात लेकर जाते हैं, 7 सत्तर 49 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 6 सत्तर 42, 4 46 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इसका वर्गमूल आ जाएगा वो हो जाएगा 37। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। एक परीक्षा प्रश्न है जो कि लेखपाल 2008 के पेपर में पूछा गया, तो इसको हम देख लेते हैं। ये संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल क्या है? अभी देखिए, इतनी सारी संख्या यानी कि ज़्यादा है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसको हम भाग विधि से ही निकालते हैं। ठीक है, 56 4 001, तो इसका हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो 01 का एक पेयर हो जाएगा, 40 का एक पेयर और 56 का एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब भाग विधि द्वारा हम वही फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 2 4 3 3 9 4 4 16, 7 7 49, 8 2 64, तो 56 जो है वो 64 से कम है, इसलिए हम 7 7 यहाँ पे 49 ले जाएंगे और इसको हम घटाएंगे, और यही 7 का इसमें हम जो है जोड़ देंगे, तो 7 7 यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, 56 में से 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे फिर पैर उतारेंगे तो 40 यहाँ पे उतर आएगा। इसके बाद फिर हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो कि 740 से ज़्यादा ना हो और 740 से जो है बराबर हो, या फिर 740 से ज़्यादा ना हो, इस तरीके से पैर हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं 55 25 करके, तो ऐसे इस तरीके से 55 25 करेंगे, 2 बचेगा और 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 725 आएगा। तो ठीक है, तो ये जो है 740 से कम है, तो इसको करेंगे यहाँ पे घटाएंगे, तो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15 आएगा, और यहाँ पे 5 फिर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसके बाद फिर पैर में उतारेंगे तो 01 पैर उतरेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम एक बार लेकर जाते हैं, ठीक है, एक बार लेकर जाते हैं तो 1501 कम 1501 हो जाएगा, जो कि ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका वर्गमूल 751 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लगाया जाता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्या दशमलव दिया गया तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, वर्गमूल अगर दशमलव में दिया गया है तो दशमलव चिन्ह के दाएँ और बाएँ, ठीक है, दशमलव चिन्ह के दाएँ और बाएँ दोनों तरफ के दो दो अंकों का समूह बनाते हैं, और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संख्या के पूर्णांक में समूह दाएं से बाएं बनते हैं, जबकि अपूर्णांक में बाएं से दाएं। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं 278.89 है, तो इसका देखिए पेयर बनाते हैं, तो दशमलव के दाएं हम जाएंगे तो 89 ए पेयर बन जाएगा और बाएं में 78, इसके बाद 2 जो है एक रह जाएगा, तो इसको हम एक ही ऐसे रखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके से समूह बनाया जाता है, दशमलव के दाहिने वाले अंक अर्थात अपूर्णांक के अंकों की संख्या अगर विषम हो, यानी कि दशमलव के बाद जो 8 9 लिखा, अगर 8 9 1 लिखा होता तो ये विषम हो जाता, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसका पेयर बनाने के लिए उस आवश्यकता अनुसार 0 को लिख कर जो है समूह बना लेते हैं या पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 27.889 का वर्गमूल निकालें, यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है, तो हम पेयर बनाने के लिए देखिए दशमलव के बाद एक जीरो को हमने बढ़ाया हुआ है, इसमें बढ़ा दिया गया है, तो 90 हो गया, 88 और 27 से पेयर बन गया। फिर इसके बाद 5 से इसने टेबल ले गया तो 55 25 कर दिया। ठीक है, इसमें 5 ऐड किया तो 10 हो गया, और यहाँ पे जो है 25 27 में से 25 गए 2, तो ये देखिए 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाया गया, जो दशमलव यहाँ पर था, इसके बाद 88 जो है ये उतर आया। ठीक है, फिर 2 इसके बाद 2 से फिर इसके बाद ले गया ले जाएगा, 2 2 4 किया गया और 204 आया, 102 2 204 हो गया यहाँ पे रखा गया, और इसको घटाने पर 84 आया। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया तो 104 हो गया, फिर 90 पैर में उतर गया इधर ही देखिए, फिर 84 90 हो गया, तो इसको 8 बार ले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे 106 बचेगा। ठीक है, तो दशमलव के दो अंक तक वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, 5.28 इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्गमूल निकाला जाता है। अब यदि संख्या भिन्न में हो तो उसका वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो अगर संख्या भिन्न में होती है तो दो इसमें पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट है, यदि भिन्न का अंश और हर दोनों वर्ग संख्या हो तो दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकालते हैं, फिर उन वर्गमूलों में से नई भिन्न बना देते हैं। जैसे 25/49 का वर्गमूल निकालने के लिए अंश का वर्गमूल 5 हो जाएगा और हर का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो इस प्रकार 5/7 जो इसका वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बनता है, यदि संख्या यदि भिन्न का अंश जो है हर दोनों वर्ग ना हो
तो भिन्न को या तो दशमलव में बदलकर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं या फिर अंश और हर का अलग अलग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे कि 1/2 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 0.5 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे और फिर उसको जो है उसमें हम वही मान लेंगे कि ये वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 का देखिए वर्गमूल निकाला गया तो दशमलव के बाद इसको पेयर बनाया गया 0 0 बढ़ाकर, और इसके बाद दशमलव के 3 अंकों तक इसका वर्गमूल निकाला गया 0.707 इसका जो है वर्गमूल हो जा रहा है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट परीक्षा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, बताना है कौन सी संख्या होगी। तो 512 जो संख्या है यह खुद एक पूर्ण घन है। ठीक है, स्वयं एक घन संख्या है 512। तो इसमें क्या करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, तो इसमें जैसे कोई जो छोटी से छोटी पूर्ण घन है संख्या है उसी से गुणा कर देंगे तो ये जो है उसका गुणनफल भी पूर्ण घन ही होगा। तो अगर 2 सबसे छोटी संख्या तो 2 × 2 इसका घन हो जाएगा 8, और अगर 8 से हम इसमें गुणा करते हैं तो ये संख्या पूर्ण घन ही होगा जो भी गुणनफल आएगा। तो यानी कि उसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो आंसर इसका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2015 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था लेखपाल परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले सरल करते हैं। 5 से 3/4 को हम लिख सकते हैं 23/4, प्लस 4 से 4/5 को हम लिख सकते हैं 24/5। ठीक है, और इसके बाद 7 से 3/8 को 8 × 56 और 3 59/8 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 230 प्लस 192 प्लस यहाँ पे आएगा 295। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 717/40 आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प से, अब 717/40 आ गया तो इसमें पूछा गया कि इसके योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो अगर हम विकल्प से देखते हैं तो क्या करेंगे कि 717/40 में कौन सा, इसमें कोई भी एक चारों विकल्प ले लेकर इसको जोड़ देंगे और जो पूर्ण संख्या आ जाएगी वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी पार्ट हम लेते हैं सबसे पहले, तो प्लस 3/40 इसमें जोड़ते हैं तो 717 प्लस 3 हो जाएगा 720/40, यहाँ से काटेंगे तो ये फाइनल 18 आएगा, आ जाएगा इसका मान, ये कि जो कि एक पूर्ण संख्या होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तरीके से चक्कर के इसका लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे कि एक प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। ये भी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था सेकंड पाली में। तो हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, 930.25 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल हम भाग विधि से निकालेंगे, पहले पेयर बनाएंगे इस तरीके से करके और इधर पेयर, तो 3 का ले जाएंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे 3 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, पेयर उतारेंगे एक 30 उतरेगा, फिर हम जो है इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक बार ले जा रहे हैं तो 61 हो जा रहा है जो कि 30 है, और 30 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे, और ये पॉइंट जो 0.25 है ये भी हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से अब देखते हैं, 5 बार हम इसको और ले जाते हैं, 5 × 25 5 × 36 तो इस तरीके से पूरा कैंसिल हो जा रहा है और इसका वर्गमूल निकल के आया 30.5। ठीक है, 30.5 इसका वर्गमूल हो गया। अब 30.5 में से अगर हम 1/2 घटा देते हैं तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 30.5 माइनस 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा पूर्ण संख्या 30, जो कि यही आंसर हो जाएगा और यही पूछा गया था, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसका वर्गमूल पूछा गया है, और अगर इसका वर्गमूल निकालने पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो 3 × 1/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 13/4, 4 × 3 = 12, 13/4 माइनस 4 × 3 = 12, 13/3 = 4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
नीचे भी ऐसे 4 तिया 12 13/4 की पावर 2 माइनस 4 तिया 12 13/3 की पावर 2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब देखिए ऊपर जो दिया गया है भिन्न, उसको हम और तोड़ते हैं तो 13/4 की पावर हो जाएगा ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 13/3 यहाँ पे है की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, पावर को हमने तोड़ दिया है, जो 4 था उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे एज इट इज उतार लेंगे, 13/4 की पावर 2 माइनस 13/3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो होता है एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर यही फार्मूला लगा देंगे, ए की जगह पर 13/4 है, बी की जगह पर 13/3 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रेकेट में और ए माइनस बी एक ब्रेकेट में होता है। तो ऐसे हम लिख देंगे 13/4 की पावर स्क्वायर माइनस 13/3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रेकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा 13/4 स्क्वायर प्लस 13/3 स्क्वायर दूसरे ब्रेकेट में। ठीक है, नीचे जो लिखा उसको लिख देंगे 13/4 स्क्वायर माइनस 13/3 स्क्वायर, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा हमारा, 13/4 का स्क्वायर प्लस 13/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 13 3 169, 4 4 16 हो जाएगा नीचे, और इसके बाद प्लस 13 3 169, 3 3 9। ठीक है, यहाँ से हम 169 कामन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/16 + 1/9। यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ये आएगा 169 × 16 + 9 यानी कि 25/16 = 144 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, पूछा गया था कि इसका वर्गमूल, तो हमने सॉल्व किया तो ये आ गया शॉर्ट फॉर्म में 169 × 25/144। तो इसका वर्गमूल हम अब निकालेंगे, ये 169 होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13, 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12। तो आपका ये आ जाएगा 13/25 / 12 हो जाएगा, जो कि और सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका तो 5 से ही 5/12 लास्ट आंसर इसका आएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट है घनमूल निकालना, घर से घनमूल निकालते हैं तो 729 का अर्थ होता है 729 का घनमूल निकालें, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है और ये चिन्ह होता है रूट क्यूब का। ठीक है, 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें 3 3 का पेयर बनाते हैं, अब 3 3 के एक एक संख्याओं को लेकर उसका गुणा करेंगे और जो मान आएगा वही जो उसका घनमूल का उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 729 का पेयर बना, 3 का एक पेयर बना और 3 का दूसरा पेयर बना। ठीक है, 2 पेयर बने, दोनों से 3 ले लिया, 3 3 9 जो हो गया वो 729 का घनमूल हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो घनमूल निकालने के लिए घातों का जो है 1/3 में गुणा कर दिया जाता है, क्योंकि घनमूल के चिन्ह का अर्थ ही होता है कि दी गई संख्या का घात 1/3। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 3^6 × 2^6 दिया है, तो इसका घनमूल अगर हम बात करें तो रूट क्यूब 3^6 × 2^6 हो जाएगा, जहां पर हम इसको 3^6 × 1/3 कर देंगे इंटू 2^6 × 1/3 कर देंगे। ठीक है, यहां से हम भाग करेंगे तो 3 × 6 पावर में करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा, यानी कि 3^2 × 2 आ जाएगा, जिसको हम गुणा करके इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका घनमूल आ जाएगा 36। इसी तरीके से यहाँ पर भी 7^3 × 5^9 का घनमूल दिखाया गया है, किस तरीके से निकाला जाता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, तो इनका इसका मान बताना है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, √1500 + 441। तो अगर हम 441 से शुरुआत करते हैं यहाँ पे, तो 441 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल ही निकालना है क्योंकि वर्ग चढ़ा हुआ है ऊपर, तो 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, यहाँ पे 1500 लिखा तो लिख देते हैं और इसके ऊपर वर्ग का निशान लगा, 1500 + 21 यानी कि 1521 हो गया, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो 1521 का वर्गमूल 39 हो जाएगा। ठीक है, 1521 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जो 1521 का अगर हम निकालते हैं तो या तो गुणनखंड करें या तो फिर भाग विधि निकालें। एक विधि और है कि 1521 में जो लास्ट पार्ट है वन, ठीक है, तो वन किस में आता है? अगर एक का गुणा एक से करते हैं तो वन आता है, या फिर दो दुनी चार, तीन त्रिका नौ, चार सोलह, पचास पच्चीस, छगा छत्तीस, सात सौ उनचास, आठ नौ, नौ गुणे नौ करेंगे तो फिर इसके भाग में एक आएगा। यानी कि या तो इसका इकाई का अंक एक होगा या तो इसका इकाई अंक नौ होगा जो आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका कंपेरिजन करते हैं जो पंद्रह है, तो पंद्रह देखते हैं कि एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह और पाँच का स्क्वायर पच्चीस, ठीक है, छः का स्क्वायर छत्तीस। अब देखते हैं पंद्रह जो है इनमें किन के बीच आता है, तो देखिए नौ और सोलह के बीच में जो है पंद्रह आता है, ठीक है, यहीं पर आता है पंद्रह। तो यहाँ पे जो इसके पहले वाला है उसी को हम लेंगे, तो पंद्रह के पहले जो तीन का स्क्वायर उसको लेंगे, यानी कि इसका मान जो होगा वो या तो इकतीस होगा या फिर उनतालीस होगा, ठीक है। तो ये कैसे कन्फर्म होगा, तो इसमें फिर देखते हैं कि पंद्रह किसके करीब में है, नौ के करीब में है या फिर ज़्यादा करीब सोलह के है। तो पंद्रह जो है ज़्यादा करीब सोलह के है तो फिर नीचे वाला हो जाएगा, उनतालीस इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब ये जब आप चार पाँच क्वेश्चन, दस क्वेश्चन अभ्यास कर लेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंद्रह प्लस छः रूट छः का मान क्या है ये बताना है। तो इसके मान, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। पंद्रह को हम तोड़ते हैं, नौ प्लस छः लिख सकते हैं, प्लस छः रूट छः है, ठीक है। अब यहाँ पर और इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो नौ को हम लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर, प्लस छः को हम लिख सकते हैं रूट छः का स्क्वायर, ठीक है, प्लस छः को हम लिख सकते हैं दो गुणे तीन गुणे रूट छः, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखिए अब रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई वो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो देखिए उसी तरीके लिखा है, यहाँ पे a का मान तीन है और b का मान रूट छः है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन प्लस रूट छः का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ऊपर का मान आएगा। तो इसके बाद वर्गमूल लगा है और स्क्वायर भी है, तो वर्गमूल के अंदर अगर स्क्वायर हो तो उसका एक मान निकाल लेंगे, तो रूट तीन रूट छः इसका मान फाइनली हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है, ए पॉइंट 000441 का जो है मान ज्ञात करना। तो देखिए यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो पॉइंट 000441 को हम लिख सकते हैं 0.021 इंटू 0.021, ठीक है। 441 का वर्गमूल 21 होता है, अब तीन जीरो तो उसमें जीरो एक इधर, जीरो एक इधर बढ़ा देंगे, तो इसको अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। तो देखिए अब इसका हम वर्गमूल ले सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल 0.021, ठीक है, फाइनली यही निकाल लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल हमें बताना है क्या होगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सरलीकरण को करते हैं इसका, तो रूट थ्री प्लस रूट टू अपान रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई, इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू से गुणा करेंगे ऊपर भी, और रूट थ्री प्लस रूट टू से नीचे भी गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे माइनस में है तो नीचे के संख्या को हम पूर्ण संख्या बनाएंगे, तो इसलिए रूट थ्री प्लस रूट टू से इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है, अपोजिट वाले से। तो ऊपर हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू दो है, तो रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो है ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें फार्मूला लग जाएगा, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर वो लिख देते हैं, नीचे जो आया इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर यानी तीन और रूट टू का स्क्वायर यानी कि दो हो जाएगा। अब मेरा जो बचा है क्वेश्चन वो बचा है रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना, तो इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं, फिर अंदर जब इसके स्क्वायर लिखा हो तो यानी कि एक मान हम इसका निकाल लेंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन प्लस फोर रूट थ्री का मान क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें भी वही अप्लाएंगे, रूल अपनाएंगे, सात को हम तोड़ेंगे तो चार प्लस तीन में तोड़ेंगे, चार तीन सात होता है, और प्लस चार रूट तीन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार प्लस तीन प्लस चार, चार को हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं और तीन को हम रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, एक मिनट हम इसको
इरेज कर देते हैं। यहाँ चार को हम दो का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर तीन को रूट तीन का स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस चार को हम दो गुड़े दो गुड़े रूट तीन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो दो प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं, और इस तरीके से इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा दो प्लस रूट तीन फाइनल में। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 प्लस 6 रूट 5 का धनात्मक वर्गमूल कितना, यानी कि इसके ऊपर एक और रूट चढ़ा देते हैं, वर्गमूल पूछा गया है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की भांति है, और इसमें भी हम 14 को पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 5, 14 होता है। ठीक है, प्लस 6 रूट 5 कर देते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर, 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 को हम तोड़ेंगे 2 × 3 × √5। ठीक है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5, यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपये जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या कितनी थी ये बताना। ठीक है, यानी प्रत्येक लड़के ने उतने रुपये दिए जितने लड़के थे, तो इसमें बताना है लड़कों की संख्या। तो जो 12,544 रुपये जुटाए हैं अकाल निधि के लिए, उसका हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि 12,544 का हम वर्गमूल ले लें, और जो वर्गमूल आएगा मान वही जो है लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 12,544 का हम वर्गमूल लेंगे, और यही जो आएगा मान उसका जो है संख्या हो जाएगी। तो 12,544 को हम भाग विधि से निकालेंगे, और भाग विधि से निकालने के बाद ये 112 आएगा, जो कि इसका वर्गमूल होगा। तो 112 टोटल लड़के उसमें थे। ठीक है, मेन इसमें वर्गमूल ही निकालना है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ यानी कालम में रखना चाहता है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है, तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे ये बताना। तो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या x है, और इस तरीके से स्तंभों की संख्या x हो जाएगी। ठीक है, यानी x × x यानी x² = 1369। तो यहाँ पर भी हम 1369 का जो है वर्गमूल ही लेंगे, तो 1369 का वर्गमूल होता है 37, और इस तरीके से इसमें पंक्तियों विद्यार्थियों की संख्या जो होगा वो 37 हो जाएगा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जिसे 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 675 की अगर हम बात करते हैं, तो 675 तो इसको हम तोड़ते हैं तो 27 × 25 बनता है। ठीक है, यानी कि 3³ ये हो जाएगा, और गुणे 5 बनता है। तो अगर हम इसमें 1 और 5 से गुणा कर देते हैं तो ये जो है पूर्ण घन बन जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 675 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल जो होगा वो एक पूर्ण घन निकल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है, वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल जो है पूर्ण घनफल हो, यानी पूर्ण घन हो जाए ये बताना। ठीक है, तो लघुत्तम संख्या कौन होगी, वो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी। 625 को हम पहले गुणनखंड करते हैं, 625 तो इसका गुणनखंड हो जाए 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625 यानी कि 4 बार 5 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब अगर हम 625 में 5 से भाग दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, 4 बार पूर्ण घन में क्या होता है कि 3 का पेयर बनता है इसमें। अब 1 5 इसमें ज़्यादा है, तो इसमें 5 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पेयर ही बनेगा, तो एक तरीके से पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमें निकालना था कि वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छोटा धन पूर्णांक n जिससे 864 और n का एक पूर्ण घन संख्या होती है, वो कौन सा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले 864 जो लिखा हुआ है संख्या, उसका हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 2 × 4 × 8। ठीक है, इसके बाद 8 × 16 × 32,
ठीक है, इसके बाद फिर 3 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 864, यानी कि यहाँ अगर हम करते हैं तो 2 की पावर 3 बनता है, 1 × 2 की पावर 2 बनता है, 1 × 3 की पावर 3 बनता है। ठीक है, अब 864 यन को पूर्ण घन बनाने के लिए अगर इसमें देखिए 2 की पावर 2 बना है, यानी कि हम यन की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण घन में ये 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, ये फुलफिल हो रहा है, 2 की पावर 3 अगर हो जाए तो ये जो है पूर्ण घन हो जाएगा, तो यानी यन बराबर हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर √3 और 15² और इसका वर्ग, इसके बाद इसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम काम करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, 4 × 16 × 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, फिर इसका क्यूब है ऊपर, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो 64 और 225 हो जाएगा 289, और इसके बाद इसका क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, 289 किसका वर्गमूल होता था, 17 का वर्गमूल होता तो 17 लिख देंगे, 17 के ऊपर 3 है, 17 की पावर 3 है, अब 17 को 3 बार हम गुणा करेंगे, 17 × 17 × 17 और 17 का घनमूल होता है 4913, और ये हमें निकालना था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्गमूल और घनमूल जो घटना चक्र की बुक में दिया हुआ था, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखे तब तक के लिए थैंक यू।